गुवाहाटी में सोमवार की रात से हो रही जोरदार बारिश के बाद पूरा जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज सुबह जब गुवाहाटीवासी जगे तो सड़कें दरिया बन गई थी, लोगों के घरों में पानी घुस गए। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का परिसर तलैया बन गया। सबसे खौफनाक बात, इस बारिश और बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड में 5 लोगों की जान चली गई है। गुवाहाटी के 10 इलाकों में लैंडस्लाइड हुई। वहीं बीती रात बोरागांव के निजोरापार में भूस्खलन में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि अनिल नगर में कृत्रिम बाढ़ की चपेट में आकर 1 महिला की मौत हो गई। गुवाहाटी के अधिकांश इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। शहर के कई इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ৰাতি আমি গম পাইছিলোঁ কি লেণ্ডশ্লাইড হৈছে বৰাগাঁও জেগাটোত, আৰু গম পাই আমি ৰাতি আহিলোঁ। ৰাতি আহি পেলাই এইখিনি আমি দেখিলোঁ কি ৱাল ভাঙি পিছফালে পাহাৰ আছিলে, আৰু আমি গম পোৱা তাত 4 লেবাৰ মানে ওচৰৰ বাসিন্দাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ সোমাই আছিলে, শুই আছিলে ৰাতি। হয়তো তেওঁলোকে গম নাপালে, হঠাতে এই ঘটনাটো ঘটিল, ৱাল ভাঙি মাটিকে পাহাৰখিনি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে। 4 বুলি আমি এতিয়ালৈ গম পাইছোঁ, আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু জানাত 3 ধুবুৰীৰ হ'ব লাগে আৰু 1 কোকৰাঝাৰৰ হ'ব লাগে। তেওঁলোকে ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম কৰি আছে, ফ্লেটৰ কাম চলি আছিলে, আৰু তেওঁ লেবাৰ হিচাপে ইয়াতে ভাড়া কৰি আছিলে। গোটেই ৰাতি আমি কাম কৰি আছোঁ। এই নেৰপৰা বৰষুণতে এই মাটিবিলাক খহি আহি কিনে আমাৰ ঘৰবিলাক একদম ভগ হৈ গ'ল নহয়, গতিকে আমি ভবাই নাছিলোঁ এনেকৈ হ'ব বুলি। এনেকুৱাতে আৰু হৈ গ'ল এক্সিডেণ্ট। হয়তো আমি আছোঁ আৰু নেক্সট আমাৰ নাতিন আৰু মোৰ ছোৱালী আছিলে। আপোনালোকলৈ আমি মোটামুটি 10 পিছতে গম পাইছোঁ, যেতিয়াতো শব্দ ওলাল তেতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ। ওলাই আহি আমি গৰু ওলাই কিনে ওলাই দিলোঁ সিহঁতে চাব মাটি তলত। কোন কোন 4 মানুহ কি কৰিছিল ইয়াতে? এই কাম কৰি আছিলে বিল্ডিং। गुवाहाटी बेहाल है बारिश के पानी से। हमारे संवाददाता अजीत जायसवाल हमसे जुड़ रहे हैं। अजीत, आप फिलहाल गुवाहाटी के किस इलाके में हैं और क्या वहां लोगों को राहत मिल रही है, क्या है स्थिति? जी जी रविंदर, मैं इस समय गुवाहाटी के राजगढ़ इलाके में स्थित हूं, और जैसा कि हमने दिखाया था कि दोपहर से ही यहाँ पर कई इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, और जो जल का स्तर है वो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर जो स्थिति है वो जस के तस बनी हुई है, और यहाँ पर लोगों की चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई है कि अगर फिर से बारिश होती है तो लोगों की जो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो तस्वीर जो सोशल मीडिया में आज सुबह से वायरल हो रही थी, एक मर्सिडीज जो गाड़ी जो बाढ़ में तैरते दिखाया गया था, उस गाड़ी को यहाँ पर क्रेन की मदद से यहाँ पर निकाला जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेन मंगवा कर इस मर्सिडीज वाहन को निकाला जा रहा है, और इस वाहन की तस्वीर है जो सुबह से ही सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि बाढ़ के कारण ये जो गाड़ी है वो पूरी तरह डूब चुकी थी, और जो क्रेन की मदद से इस गाड़ी को निकाला जा रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जितने भी वाहन फंसे हुए हैं इलाके में उसको खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद ही जो है राहत एवं बचाव का कार्य जो राहत एवं बचाव का कार्य है जो एनडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से वो कर पाएंगे, क्योंकि कई जगह गाड़ियों के फंसे होने के कारण जो रास्ते हैं वो बंद पड़े हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है इसको क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया में आज यह गाड़ी की तस्वीर आज पूरे दिन ही चर्चा में रही, काफ़ी शेयर किया जा रहा था। ये जो बाढ़ के पानी में, बाढ़ की लहर में ये गाड़ी को हिचकुले खाते हुए भी हम देख रहे थे। और इसी तरह जो है गुवाहाटी का जो विभिन्न इलाका है, जो चांदमारी है, डाउनटाउन है, अनिल नगर है, तरुण नगर के साथ जो जू रोड है और जो चांदमारी इलाका है वो काफ़ी प्रभावित है। लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तरफ से बचाव एवं राहत का कार्य चलाया जा रहा है,
और जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो इस जो बाढ़ की स्थिति में या जो कृत्रिम बाढ़ है इसके बीच ही वो अपने इलाके से पलायन कर रहे हैं और रिक्शा की मदद से और पैदल चलकर वो अपने घरों से निकल रहे हैं। और इसी तरीके का पूरा गुवाहाटी में ही हमको जो है वो नज़ारा हमको दिखाई पड़ रहा है। स्थिति बेहद ही ख़राब है। और अगर बात करें रविंद्र, अगर जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, जो चेतावनी जारी की गई है अगले 2-3 दिनों के लिए, अगर उस तरीके से अगर बारिश होती है तो गुवाहाटी वासियों की जो समस्या है वो बेहद ही बढ़ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है लोग अपने इलाके से पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो तादाद में है वो लोग हैं जो अपने इलाके से निकलकर सुरक्षित स्थानों के और बढ़ रहे हैं। रविंद्र जी, जी बिल्कुल आपने विस्तार से बताया अजीत, और जिस गाड़ी की चर्चा आज सुबह से हो रही थी उसे निकाला जा रहा है। इसका एक इशारा भी है कि यानी उस गाड़ी को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पानी इतना जल्दी पानी की निकासी संभव नहीं है और उसे डूबे रहने की पूरी तरह से संभावना है। अजीत, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो कल रात की स्थिति है, कल रात से जो बारिश हो रही थी और जिसके कारण लोगों में खौफ है, अब वही समय एक बार फिर आ रहा है और लोगों को फिर उसी रात की याद आ रही है कि कल रात जो हुई, क्या आज भी उन्हें इसी रात इसी तरह का समय से गुजरना पड़ेगा? और आपने कहा कि लोग निकल रहे हैं, लोग निकल कर कहाँ जा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? जी रविंद्र, जैसे कि जिला प्रशासन के तरफ से भी जैसे कई जो है कई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिला प्रशासन के ओर से लोगों की रहने की सुविधा की गई है। लेकिन हमने कई लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि वो कई लोग ऐसे लोग हैं जो अपने अपने कोई रिलेटिव के घर जाने को मजबूर हैं और कई कई लोग जो हैं वो होटल में रह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो गुवाहाटी के कई बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर अगर जल का स्तर बढ़ता है तो लोगों की जो है वो परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। और जिस तरीके का जो समस्या है, जैसे खाने पीने की समस्या है, उसके अलावा पेयजल की समस्या है, यहाँ पर हमने कई लोगों से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि जो पेयजल की सुविधा है उसमें काफ़ी कमी है, क्योंकि यहाँ पर कई इलाके में जो सप्लाई का पानी आता था उसमें यह जो ड्रेन का पानी है वो घुस गया है, जिसके कारण लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जैसे खाने पीने की जो सामग्रियाँ हैं वो लेने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। रविंद्र, तमाम तरह की असुविधाएं आज गुवाहाटीवासी झेल रहे हैं, खाने पीने से लेकर रहने तक की असुविधाएं आज गुवाहाटी की ये तस्वीर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका। गुवाहाटी में फिलहाल बारिश की पानी से बाढ़ की स्थिति है और जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई है और सड़कें एक तरह से तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जहाँ लोग तैर कर बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग गुवाहाटी छोड़कर निकल रहे हैं, अपने गांव की ओर जा रहे हैं, और कुछ लोग सुरक्षित जगहों पर निकल रहे हैं, कुछ लोग होटल में शरण ले रहे हैं। तो ये स्थिति है आज गुवाहाटी की। पिछले एक रात की बारिश में ये हाल है गुवाहाटी, जो राजधानी शहर है और महानगरों में जिसकी गिनती होती है, आज उसकी ये स्थिति है। कृत्रिम बाढ़ से राहत मिलने के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। अगले 3 दिनों तक गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। 16 से 17 जून तक गुवाहाटी में 20 सेंटीमीटर बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 3 दिनों तक गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में बारिश की चेतावनी को लेकर गुवाहाटीवासियों की चिंताएँ बढ़ी हुई हैं। सुबह 8:30 बजे 14 जून 2022 को जो सिनॉप्टिक सिचुएशन है
there is a east-west trough which runs from East Uttar Pradesh to Manipur across the central parts of Bihar, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Assam at mean sea level. और आने वाले समय में हम लोग 3 दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉडरेट रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट मोस्ट प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा.